नमस्कार, आइए आज आप बात करते हैं कि मकर संक्रांति क्यों है इतनी महत्वपूर्ण और मकर संक्रांति का क्या है महत्व, इस विषय में बात करते हैं। मकर संक्रांति का क्या है महत्व 2024 15 जनवरी को, इस विषय में आपको बताते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का सीधा सा संबंध होता है कि धनु से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति होती है, और ये प्रायः 14 जनवरी को होती है, लेकिन कुछ सूर्य के गति के अंशों के कारण कभी ये 15 जनवरी को भी पड़ जाती है। तो इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। हालांकि 2024 में 14 जनवरी की रात्रि 2:44 के बाद धनु से मकर में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को रात्रि में परिवर्तित हो रहे हैं, इस वजह से रात्रि में कोई पुण्यकाल या स्नान दान नहीं किया जा सकता। तो इसका 15 जनवरी को सुबह 7:15 से प्रारंभ है, और ये स्थानिक पंचांगों के अनुसार समय थोड़ा परिवर्तन है, कहीं 1 घंटे का, कहीं 1.5 घंटे का, लेकिन पूरे दिन इसका जो है पुण्यकाल रहेगा, पूरे दिन आप स्नान दान कर सकते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का महत्व तो इसलिए है कि ये मकर संक्रांति का जो पर्व है इसको संक्रांति का काल कहा जाता है, और इस दिन से भगवान सूर्य जो है मकर से धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से जो है दक्षिणायन से उत्तरायण जो दो अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण, तो उत्तरायण में जो है सूर्य का प्रवेश होता है। यहाँ से आपके मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, विवाह आदि आदि आपके कार्य शुरू हो जाते हैं। और सूर्य की उपासना मकर संक्रांति के जिन दिन जो भी व्यक्ति करता है, और जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति को दान करता है, जितना आपके ग्रहण काल के समय में किया गया आपका दान, किया गया जाप पाठ लाभ करता है, उससे 100 गुना मकर संक्रांति को किया गया जाप पाठ दान आपको लाभ देता है। एक बात ये। दूसरी बात, सूर्य इस दिन जब परिवर्तित होते हैं तो देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि होती है, ये इसलिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ स्नान का महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो गंगा का होता है, गंगा से भी ज़्यादा जहाँ दो महानदियों का संगम हो। जैसे किन किन नदियों के स्नान करने से विशेष पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, गंगा, भागीरथी, गोदावरी, छिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी, चंद्रवेरा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चर्मवती, वेत्रवती, सरयू, गंडक आदि आदि जो नदियां हैं, इन नदियों में किसी भी नदी में व्यक्ति स्नान करे तो विशेष पुण्य की प्राप्ति है। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए दो नदियों का जहाँ संगम हो रहा है, जहाँ जो है मिल रही हैं, तो वहाँ का विशेष लाभ है। और जैसे मान लीजिए प्रयाग आदि तीर्थ जो विशेष हैं, उनका तो लाभ कहना ही क्या है, क्योंकि प्रयाग को अपने आप में कहा ही गया है कि तीर्थ राज प्रयाग, सभी तीर्थों का जो राजा है वो प्रयाग है। तो इन नदियों में स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, तालाब सरोवर में भी प्राप्ति होती है बहुत पुण्य, और जो व्यक्ति घर में स्नान करते हैं उनको भी महापुण्य की प्राप्ति होती है। समय से पुण्यकाल के समय के हिसाब से, मुहूर्त के समय के हिसाब से स्नान दान करने से भी महापुण्य की प्राप्ति होती है। उसके अलावा जो आपका ये संक्रांति होती है, संक्रांति होती ही है भगवान सूर्य के आराधना की, भगवान सूर्य की विशेष जो है पूजा पाठ के लिए, तो आप चाहें तो भगवान सूर्य का एक चित्र जो है बना करके रखें, जैसे सूर्य की आकृति तांबे में आप बना करके अपनी जो है तो वेद, यानी जो आपकी वो है वेदी है उसमें आप किसी चौकी में बना करके रखें, बाकायदे उसका पूजन करें। चौकी के ऊपर एक आप जो है थाल रखें, वो थाल भी पीतल की हो, तांबे की हो तो अति उत्तम है, उसमें भी भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। पूजन उसी प्रकार जिस प्रकार अपने जो है नॉर्मल देवताओं का पूजन करते हैं, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, जैसे आपसे संभव हो, और बाकायदे फिर उनकी सूर्य नारायण की आरती आदि करें और उनको प्रसाद आदि लगाएं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें।
खाने में देखिए जो महत्व होता है वो खिचड़ी का विशेष महत्व होता है, और दान का भी खिचड़ी का, गुड़ का और घी का विशेष महत्व होता है। तो इसमें आपसे जैसे जो कुछ दान संभव है आप उस प्रकार से जरूर कीजिए। आप इस टाइम पे यदि आप अपने किसी पूज्य के यहाँ पहुँचाना चाहते हैं ये चीज़, तो बहुत विशेष आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से आप जो है पहुँचाएँ। उसके अलावा ये जो सूर्य की संक्रांति है, इस सूर्य की संक्रांति पे प्रयास ये करें कि आप सूर्य नारायण का जाप करें। बीज मंत्र है तो बीज मंत्र, आपको वैदिक मंत्र है यदि संभव है तो वैदिक मंत्र, यदि शिव गायत्री माफ़ कीजिएगा सूर्य गायत्री यदि संभव है तो सूर्य गायत्री, लेकिन करें आप निश्चित रूप से, इससे आपको अभीष्ट पुण्य की प्राप्ति होगी। देखिए सूर्य क्यों बहुत पावरफुल है, सूर्य के सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य क्रम से है ना, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये जैसे क्रम से हैं उसी क्रम से पावरफुल भी है। तो सूर्य के सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य में इतना तेज होता है, इतनी उसमें उष्णा होती है कि सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है कि सूर्य एक जो है जगत पिता हैं, पूरे इस जगत को जो है एक तरह से चेतन देते हैं। यदि भगवान सूर्य का उदय ना हो तो प्रकृति पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। जड़ और चेतन को यदि कोई प्राण दे रहे हैं तो वो भगवान नारायण सूर्य हैं, इसलिए आदिदेव कहा गया, आदिदेव नमस्तुभ्यम, इसलिए इनको कहा गया कि आदिदेव को जो है नमन किया है। तो इनको आप जो है निश्चित रूप से ऐसे करें। और मकर संक्रांति का महत्व इसीलिए विशेष होता है कि अपने आप में मकर संक्रांति बहुत ही उच्चस्त पुण्यकार का और आपके किसी भी जाप का महाफल की प्राप्ति हेतु यह विशेष एक जो है पर्व है। इस पर्व का पूरी तरह से आप लाभ लें, निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और यहाँ से एक तरह से ठंडी आपकी जो है कम होती है और धीरे धीरे जो है मौसम का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मंद मंद गति से यहाँ से जो है ऋतु का परिवर्तन होने लगता है। तो आप इस तरह से मकर संक्रांति के पर्व को मनाएं, भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में हरेक तरह से खुशहाली आएगी, आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। भगवान शिव की कृपा अतिशय आपको प्राप्त होगी और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।